इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी महंगाई बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है, अपने अपने युवाओं को खुल जाना फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1-to-1 हम लोग को लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तभी से हम लोगों ने तय किया था लालू जी नीतीश जी कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक एक साल बाद ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है, तो इसके कई मायने हैं। और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं, तो हम सब लोग एक हुए। अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। मुझे लगता है कि आज इस राजनीतिक हालात पर राजनीतिक दलों ने एक साथ नज़र रखी है और आज परिणाम है कि सब लोग देश के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अपने विचारों को लेकर के चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, ना जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए रोज हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4-10-50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का, रोजमर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए। थैंक यू सो मच। इट मींस नॉट इंडिया अलायंस मींस नॉट फॉर द कंट्री एंड फॉर पीपल, बिकॉज व्हाट वी हैव टू टुडे, व्हाट इज द प्रायोरिटी बिटवीन द कंट्री एंड द पीपल, वी हैव टू सेव द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन from being assaulted. That is a secular democratic republic. The constitution which provides the guarantee of equality for all, irrespective of your caste, creed or sex, as the constitution says, that has to be ensured. If that has to be ensured, then you have to implement what the constitution guarantees, that is justice, political, social and economic. For every Indian citizen. That has to be done.
the BJP has to be kept away from the reins of the government. BJP is countering this by calling it a money. When we met in Bangalore, they suddenly resurrected the NDA, which was in full story for 9 years. What was the response? They're panicking. Before the Mumbai meeting, suddenly the gas cylinder prices are reduced by 2 rupees. What is the meaning? This is what this sort of thing. Clearly, they are panicking. They are panicking at the fact that the people's response to India, this movie, has unnerved the Prime Minister and unnerved the BJP completely. And that is our first taste of victory.